नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे सात मजेदार सवाल पूछूंगा और उन सवालों में ऐसे फैक्ट्स छुपे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं वो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन फिर भी आपको उनका मतलब नहीं पता होता है। तो दोस्तों आज मैं इस सवाल के जरिए उनका मतलब आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन में। दोस्तों आज मैं 29 अगस्त को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो पहला सवाल जो है आज की तारीख से ही है। पहला सवाल है कि हर साल 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय। दोस्तों हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए भारत सरकार ने उनकी याद में इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अगला सवाल है रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके लिए भी आपके पास है 5 सेकंड का समय। दोस्तों रसगुल्ला हम सभी को पसंद है और बड़े ही चाव से हम इसे खाते हैं लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि रसगुल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, रसगुल्ला को इंग्लिश में भी रसगुल्ला ही कहते हैं। दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो चाहे गूगल ट्रांसलेट हो, इन सभी जगहों पर जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि रसगुल्ला को वहाँ भी रसगुल्ला ही लिखा गया है। दोस्तों रसगुल्ला बनाने की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी और यह एक देसी डिश है जिस कारण से इसका कोई इंग्लिश नाम मौजूद नहीं है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी का भी नाम रखने में महारत हासिल कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों ने ही रसगुल्ले का इंग्लिश नाम भी खोज निकाला है। तो उनके हिसाब से इंग्लिश में रसगुल्ले को सिरप फिल्ड बॉल्स कहा जाता है, हालांकि ये काम चलाऊ नाम है लेकिन हकीकत में रसगुल्ले को इंग्लिश में रसगुल्ला ही कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है तलाक को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि तलाक तो खुद हिंदी वर्ड है तो इसका हिंदी कैसे निकलेगा, जबकि असल में दोस्तों तलाक जो है हिंदी शब्द नहीं है और इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वह है विवाह विच्छेद, यानी कि तलाक को शुद्ध हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का कौन सा अंग जीवन भर एक समान रहता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब है मनुष्य की आंखें। यह एक ऐसा एकमात्र अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है, यानी कि कभी नहीं बढ़ता है। पांचवा प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। इसका सही जवाब है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 4.7 से 5.5 लीटर तक खून होता है। छठा प्रश्न है मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन सिर्फ 8 ग्राम यानी कि 8 ग्राम होता है। दोस्तों सातवां और सबसे मजेदार प्रश्न है हिंदी का सबसे लंबा शब्द कौन सा है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों हिंदी का सबसे लंबा शब्द है लौह पथ गामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लौह पट्टिका। यह शब्द सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए लेकिन यह एक बहुत ही जरूरी शब्द है जिसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है रेल को लिखित निर्देश देने वाला हरे रंग का बोर्ड। अब आपके लिए आज का सवाल, संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितने दिनों का हो सकता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का या फिर 6 महीने का। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में पूछे गए सवाल कैसे लगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।